बुराइयों पर अच्छाई का जीत का प्रतीक दशहरा धूरी में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। राम और लक्ष्मण की रथ यात्रा पूरे शहर का चक्र लगाकर दशहरा ग्राउंड पर पहुंची और तीर छोड़कर रावण का दहन किया गया। बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ आज मनाया जा रहा है। इस दिन राम जी ने रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता को उसके चुंगल से आजाद करवाया था। ये पूरी तस्वीर हम धूरी की दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि त्योहार की धूम देखने को मिल रही। त्योहार को मनाने का उत्साह लोगों में देखा जा रहा। चारों तरफ खिलौने, मिठाइयां, बहुत सारे स्टॉल भी लगाए गए। लोग इन सबका आनंद ले रहे, बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे। इसके बाद राम लक्ष्मण की रथ यात्रा दशहरा ग्राउंड में पहुंची, जिसके बाद पूजन करने के बाद राम जी द्वारा एक तीर छोड़ा गया, जिस पर आग लगी सीधा रावण के। दशहरे के फेस्टिवल के मद्देनज़र असी लोगों की एकता सुरक्षा यकीनी बना रहे हैं कि वह फ्रीली विदाउट एनी फीयर वह आपका फ्रीली मूवमेंट कर शहर के जोड़ा त्यौहार है वह सैलीब्रेट कर सुरक्षा की भावना उन्होंने पैदा हो वास्ते असी विजिबिलिटी ऑफ द फोर्स काफ़ी दिनों तो इंश्योर कर रहे हैं। नाकाबंदियाँ, फ्लैग मार्चस, तो अज स्पैसीफिकली असी नाकाबंदियाँ तो जिते फंक्शन हैगा उत्थे फोर्स की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की है, ता जो कोई भी जो शरारती अंसर है उसकी कोई मूवमेंट पर नज़र रखी जाए तो किसी भी क्राइम नूं प्रिवेंट किया जाए तो लोग फ्रीली सुरक्षित महसूस करते हुए अपना जो त्यौहार सैलीब्रेट कर। लोगों जी फ्लैग मार्च का बेसिकली फोकस होंदा वो दो तीन ड्यूअल परपज होंगे है। पहला तो होंगे कि जेडे विजिबिलिटी ऑफ फोर्स कि पुलिस की प्रेजेंस जी है एरिए इंश्योर हो जाती है, फोर्स में प्रॉपर ब्रीफिंग हो जाती है। थर्ड जी लोगों के एक सुरक्षा की भावना भी पैदा होंगी है, तो फोर्थ जोड़ा है माड़े अंसर हैगा उन्होंने भी एक स्ट्रोंगली जोड़ा मैसेज आता है कि जो कोई भी कोई माड़ी हरकत के अंडाज होएगा तो वो खिलाफ़ जो प्रोएक्टिवली पूरे सैक्शन लेगी।